अभी रात में जाके। हाय, बर्थडे बॉय किधर है? ये है और तुम लोग इसके दोस्त हो। और दिव्यांश जाओ, दिव्यांश भाई है। अब केक खाओ तुम लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रिया। तो फ्रेंड्स, आज स्पेशल ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, रीति रिवाजों के साथ बर्थडे कैसे मनाया गया। तो ये मनीषा की फैमिली है और कृष्णा जी का बर्थडे है। कृष्णा मनीषा की बड़ी दीदी का लड़का है, उसका बर्थडे फर्स्ट टाइम इधर मनाया जा रहा है और वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं समोसे नमकीन सब तले जा रहे हैं और ये मीठे गुलगुले बनते हैं फ्रेंड, जिसका बोलते हैं कि बर्थडे में ज़रूर बनता है। तो यहाँ पे गुलगुला बन रहा है, इसको पता नहीं यूपी और बिहार में तो गुलगुले बोलते हैं और हर जगह क्या बोलते हैं वो तो नहीं पता। तो यहाँ देखिए, इसको तल देते हैं गुलगुले को। उसके बाद सबसे पहले हुआ दिन में शिव चर्चा, यानी कि बोलते हैं कि कोई भी शुभ काम करो तो पहले गुरु को याद करते हैं। गुरु और दोपहर में हम लोग शिव चर्चा कर लिए थे फ्रेंड्स। बोलते हैं शिव गुरु का भी आशीर्वाद मिल गया बर्थडे बॉय को। यहाँ पे मनीषा चौका बना रही है, बोलते हैं चौका पूजते हैं और ये हमारे इधर नहीं होता है। मैं भी फर्स्ट टाइम पूरा शुरू से देखी और ये यूपी में होता है। तो मनीषा यूपी की हैं तो उस तरह से पूरे रीति रिवाज के साथ कर रही हैं। बोलते हैं केक कटिंग वगैरह तो फ्रेंड्स बाद के ज़माने का है, पर ये पूर्वजों के ज़माने से ये चलता आ रहा है, इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। तो चावल के आटा या गेहूं के आटा और हल्दी कुमकुम से चौका बनाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये दूध पिलाते हैं बच्चे को, जिसका बर्थडे होता था। दूध सादा नहीं देते, उसमें काला तिल डाल देते हैं। और इस तरह से देखिए, आज कृष्णा जी का बर्थडे है, इसे बैठा दिया गया है, अब इसकी तिलक की जाएगी। तो तिलक के पहले क्या क्या तैयारियां होती है और क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो वो सब मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गुलगुले जो बने थे ना, तो जितनी भी लेडीज आती हैं, तो कम से कम 5 लेडीज भी हों टीका लगा दें, तो जो लेडीज होती हैं तो वो अपने खोइछा में इस तरह से गुलगुले रख करके उसके बाद तिलक लगाती हैं। तो सब लोग इस तरह से गुलगुले ले लिए हैं, आरती का थाली भी तैयार हो गया है। और इसके मतलब बोलते हैं कि चलिए दिखाती हूँ अभी, क्या बताऊँ। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा जी को सबसे पहले, बड़ी हैं ये आंटी जी यानी कि दादी हो गई सोसाइटी की, तो ये तिलक लगा रही हैं, मुँह मीठा करवा रही हैं, फिर आरती उतारेंगी। और बोलते हैं कि जिसका बर्थडे होता है ना, उसको ढेर सारा बेस्ट विशेष देते हैं। और यहाँ पे दूध जो मैं दिखाई थी वो दूध भी पिलाते हैं। और तो आप लोग भी फ्रेंड्स हमारे कृष्णा को ढेर सारा बेस्ट विशेष दीजिएगा और प्यार दीजिएगा। तो कृष्णा हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, और खूब बड़ा आदमी बनो और सारी मनोकामना तुम्हारी सब पूर्ण हो। तो यहाँ पे बारी बारी से सब लोग तिलक लगाएंगे, मुंह मीठा करवाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा आप रियल वॉइस के साथ एंजॉय कीजिए वीडियो को। यहाँ पे फ्रेंड्स टीका का प्रोग्राम हो गया, उसके बाद ना नजर उतारते हैं लास्ट में। तो कहाँ कहाँ इस तरह से रीति रिवाज किया जाता है बताइएगा जरूर, पर नज़र उतारते हैं। वो वाला क्लिप शायद इधर उधर हो गया। और इस तरह से जब चौका पूजने का प्रोग्राम हो जाता है, तो इस तरह से पूजा करके उसे फिर इस तरह से हटाते हैं, और क्योंकि पैर वगैरह ना लगे इस वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब केक कटिंग होगा, आप लोग इंजॉय कीजिए ये रसमलाई। Happy birthday dear Krishna।
निकाल ले निकाल, जाइए जाइए भाई साहब जाइए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हो गया कृष्णा जी का, बोलते मौसी के घर में फर्स्ट टाइम हुआ और हम लोग को भी मौका मिला। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब थोड़ा बहुत फूड एंजॉय किया जाए। तो खाना में बना था पनीर की सब्जी और पूरी, पर उसका मैं वीडियो नहीं ले पाई। तो यहाँ पे समोसा और रसगुल्ले केक सब इंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब लास्ट में बोलती हूँ कि अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स। तो कमेंट्स करके ढेर सारा बेस्ट विशेष दीजिएगा हमारे कृष्णा जी को। अभी रात में जाके मैं जा रही हूँ, अब तुम लोग बाय कर दो।